सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश की शान देख रहे हैं आप और देश की शान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ ब्रॉन्ज मेडल विजेता दीपक लाठर मौजूद हैं, जो कॉमनवेल्थ में देश का नाम रोशन करके आए हैं और लाइव एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं तमाम पहलुओं पर। दीपक, अब आप एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, अपना आपने नाम बनाया है, लेकिन अभी आप बहुत युवा हैं, पहली बार कॉमनवेल्थ से लौटे हैं, मेडल लेकर लौटे हैं, आगे और किस किस तरह के आपके एम्स हैं कि मुझे ये और करना है, इस तरह के मेडल जीतने हैं, कहाँ तक देखते हैं आने वाले 5 साल में अपने आप को? हाँ जी सर, जो भी अभी नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स आएंगे उसके लिए एक मैंने प्लान खुद रेडी किया है जी। मतलब एक मेडल के हिसाब से नहीं, एक रिजल्ट जो वेट लिफ्टिंग रिजल्ट होता है 295 टोटल किया है जी, तो उसी टोटल को बड़ा बड़ा के हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक लेके जाएंगे सर जी। वहीं अगर बात करें, आपने बताया कि डाइट क्या रहती है जो आपको कोचेस सलाह देते हैं, क्योंकि वेट उठाना होता है तो कितना डिसिप्लिन होता है डाइट के लिए, क्या क्या पूरा दिन खाना पड़ता है और क्या समय की भी बहुत ज़्यादा वो रहती है कि इतने बजे खाना है, इतने बजे ट्रेनिंग करनी है, इतने बजे सोना है? हाँ जी सर बिल्कुल, मतलब अभी जो हमारे विजय शर्मा सर है वो बताते हैं खाने के बारे में स्पेशली जी। वैसे हमारी न्यूट्रिशन भी है कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में आराधना मैम स्पेशली वो बताती रहती है कि भाई इस देश में गया है और इसको तेरे को ये खाना है जी। वहीं जब आप अब अपने गांव में लौटते हैं, जब आप छोटे थे, आपको आपको वो यादें होंगी, आपके साथ जो खेलते होंगे, आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं, अब वो एक अलग तरह से आपको देखते होंगे क्योंकि आप युवा धड़कन हैं, देश की शान बन गए हैं, तो कैसा लगता है जब उनके बीच आप जाते हैं? अभी तक गए नहीं हूँ मैं, पटियाला में ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर, बाकी अभी प्रोग्राम है जो गाँव में, तो देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा जी। तो वहीं जब आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों का रिएक्शन जो है वो किस तरह का रहता है, क्योंकि आपने इतना हैवी वेट उठाया है और इतने कम उम्र में, आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आपने 295 किलो जो है उठा लिया, लेकिन आपने ये करके दिखाया, आप मेडल लेकर आए, क्या लगता है? लोग कहते हैं कि ये तो दीपक कर सकता है, तभी आपको बाहुबली भी कहा जा रहा है? नहीं सर, ऐसे बात नहीं है, बाहुबली तो पत्थर ही उठाते हैं, हम तो लोहा उठाते हैं फिर भी जी। तो हाँ सर सही बात है, मतलब कर रहे हैं अभी ट्रेनिंग जी। अगर बात करें वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं मिलती हैं, क्या कभी ऐसा लगता है कि विदेशी कोच भी आपको मिले, वहां पे भी ट्रेनिंग मिले तो उसका और फायदा होगा, कहीं कोई कमी नजर आती है कि हाँ ये चीज जो है अगर मुझे ये फैसिलिटी और मिले तो शायद मैं गोल्ड भी लेके आऊं और अच्छा करूं? हाँ जी बिल्कुल सर, जो अपना एक NIS में अपना जो अपना खाना बनाते बहुत अच्छा खाना है, बट लेकिन जो एथलेटिक वाला सेम खा रहे हैं और एक वेट लिफ्टर भी सेम खा रहा है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जी। एक और फैन आपकी जुड़ी हुई है हमारे साथ लाइव, खुशी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। खुशी स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। दीपक लाठर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो मैम। नमस्ते सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी। सर मेरा क्वेश्चन है, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी मैम? बता नहीं सकता, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा। बहुत सारी मेहनत करी मैम उसके लिए। तो आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या आई सर इस गेम में? सॉरी मैम, इस गेम में आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या आई सर? सबसे बड़ी परेशानी क्या आई? परेशानी तो ऐसी कुछ नहीं आई। इस पूरे सफर में जब आपने शुरुआत की, जो मेहनत की, कभी ऐसा लगा कि ये जो है ये चीज मुझे परेशान कर रही है, ये चीज मुझे रोक रही है, कभी ऐसा लगा? हाँ जी सर बिल्कुल, जो मैं बता रहा था मतलब फोन के बारे में स्पेशली, वो ज्यादा हमारा फोकस, अच्छा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, सोशल मीडिया फोन जो है ये डिस्ट्रैक्ट यार, अभी इसका मैसेज आएगा, ये बोलेगा, ये रिप्लाई करना पड़ेगा इसका, ये तो उन टेंशन से दूर ही रहते हैं। ये मुझे फील हुआ जब हमारी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप USA में हो रही थी, तो उस टाइम इतना अच्छा नहीं कर पाया मैं, तो मैंने सोचा यार सीनियर नेशनल के ड्यूरिंग उसका सिर्फ 20 डेज का फासला था जी। तो मैंने अपना जो फोन था वो फोन मैंने साइड में रख दिया स्विच ऑफ करके, तो ड्यूरिंग 20 डेज पूरा फोकस अपने नेशनल पे लगा दिया मैंने, सीनियर नेशनल पे, और पहला नेशनल था मेरा सीनियर नेशनल, तो उस सीनियर नेशनल में मैंने रिकॉर्ड किया
चलिए पूरा रिजल्ट जो है पूरे देश के सामने, आपके कई फैंस यहां पर भी मौजूद हैं, कई फैंस लगातार आपको फोन कर रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं वो भी आपको फॉलो कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि दीपक लाठर असल लाइफ में कैसे हैं, कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन, कितने जुनून के साथ आपने ये सब कुछ अचीव किया। लेकिन अगर बात करें, आपने जैसा कहा कि आप, मैंने फोन साइड रख दिया, 3-4 महीने तक मैं सिर्फ मैंने जो फोकस है अपना अपने एम पर रखा, अपनी मेहनत पर रखा, अपनी ट्रेनिंग पर रखा, और उसका नतीजा हम सबके सामने, देश के सामने है, मेडल आप लेकर आए हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स हैं आपके, फिर किस तरह से, क्योंकि वो शिकायत भी करते होंगे कि तुम तो बात नहीं करते, किस तरह से उनसे जुड़ते हैं, जब आपको अपने फ्रेंड्स की भी जरूरत होती होगी, कभी उनसे बात करनी होती होगी, उस वक्त क्या करते हैं आप? फ्रेंड्स तो इतना मतलब नहीं है गांव में मेरा जी, तो कहीं ना कहीं मतलब फेसबुक में मैसेज आता है कि भाई क्या हाल है भाई, मत ठीक है भाई, बोला इतना रिप्लाई करके वो अंगूठे का निशान भेज देते हैं, बोला ठीक है, तो बोला भाई तू मतलब काफ़ी टाइम एक दो मैसेज करता हो, बोला भाई रिप्लाई नहीं करता तू, अब बड़ा हो गया ये हो गया जी। वहीं परिवार की अगर बात करें, आपके परिवार में कौन कौन है? आपके फादर से हमने अभी लाइव बात की थी, और कौन कौन है आपके परिवार में, और किनके क्लोज ज़्यादा हैं आप? मम्मी है, पापा हैं, छोटा भाई है, और दादा तो एक्सपायर हो गए, और दादी है, काका है, काकी है, और 3 छोटी बहनें हैं, 1 छोटा भाई है जी। काफी बड़ा परिवार है आपका, और सभी की दुआएं, सभी का आशीर्वाद रहा होगा, और आपकी मेहनत तो है ही जिसने आपको इस मुकाम तक लाया है, और अब निश्चित तौर पर एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई हैं। परिवार वाले क्या उम्मीद कर रहे हैं, अब आगे जो है किस तरह से करना है, आगे आपको बढ़ाने के लिए किस तरह से मोटिवेट करते हैं? हाँ जी, मतलब मैं पापा से बोलता हूँ हर बार कि मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा इस चीज मेडल, अगर मैं गोल्ड मेडल लेके आया तो क्या मिलेगा जी, और सिल्वर लेके आया तो क्या मिलेगा। तो मैं कल रात को ही बात मतलब मम्मी से बात कर रहा था कि मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा अभी जी, क्या ये जो मेडल लेकर आए हैं क्या गिफ्ट मिला, आपके परिवार ने क्या दिया, आपके फादर ने क्या दिया गिफ्ट? अभी पटियाला में आए हुए थे, अभी तो मिठा रसगुल्ले खिला के गए, वो गिफ्ट था। अच्छा, बाकी फिर ऐसे मतलब बाद में थोड़ा टाइम जाने दो, मैंने मतलब 18 साल हो गए लाइसेंस बन गया, तो गाड़ी दिला दो एक बार। चलिए, MH1 न्यूज को सब देख रहे हैं, आपके फादर भी वहां से देख रहे होंगे, वो उन्होंने फोन पे बात की, आप हमारे माध्यम से बता दीजिए आपको क्या चाहिए। मुझे गाड़ी चाहिए, कार। कौन सी गाड़ी का शौक है आपको? सबसे पसंद कौन सी है? वरना। वरना गाड़ी और एक फॉर्च्यूनर। अच्छा, एक वरना और एक फॉर्च्यूनर। अच्छा, और कहाँ घूमना सबसे ज्यादा पसंद है, ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है, देश के बाहर, देश के अंदर कौन कौन से ऐसे शहर हैं या कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपने घूमी हैं, और जो आपका सपना है कि मेरे को यहाँ भी जाना है, ये भी घूमना है, ये सब करना है? अपना देश सबसे बेस्ट है सर। यहाँ कहाँ कहाँ घूमने की तमन्ना है, आपने सारा जो देश है जहाँ जहाँ घूमे हैं, सबसे अच्छा शहर कौन सा लगता है आपका? अभी पटियाला रहा हूँ, पटियाला सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, पटियाला सबसे अच्छा लगता है, काफी अच्छा खाना है, मतलब अपना सेम हरियाणा जैसे खाना है। अच्छा, घर में जब जाते हैं तो क्या फरमाइश रहती है आपको आपकी मम्मी से कि ये चीज मेरे लिए बनाओ, मैं विदेश में रहा इतने टाइम से, मुझे अपने घर का खाना नहीं मिला, बाहर खाना पड़ा, या जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को खाना दिया जाता है क्योंकि वहां पर वेट ट्रेनिंग होती है तो उसका भी ख्याल रखना होता है, सारी चीजें मेंटेन करनी होती है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब आप घर पे आते हैं, ब्रेक पे आते हैं, परिवार वाले जो है वहां पर मौजूद होते हैं, उनको भी ये होता होगा कि इतने समय बाद जो है हमारे घर का बेटा जो है घर पे आया है, इतना कुछ अचीव करके आया है, उनको भी होता होगा कि आपके पसंद की चीजें बनाएं। क्या पसंद है आपको खाने में, मीठा, या खाने में किस तरह की डिशेस पसंद करते हैं आप? बाजरे की रोटी बढ़िया लगे, जब ठंड में जा रहा हो कभी, मतलब पटियाला से जाता हूँ ना जी, तो बाजरे की रोटी।